तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक से। एक स्वचालित बाह्य बैटरी से वाहन को चालित किया जाता है जिसमें चालन मोटर को जोड़ने वाले तारों में 300 एम्पियर वैद्युत धारा अन्य काल के लिए प्रवाहित होती है। तारों के बीच एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है? यदि इनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर एवं बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर हो, यह बल आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल? तो इसका हल करते हैं। जैसा कि दिया है, I1 बराबर I2 बराबर 300 एम्पियर, L बराबर 70 सेंटीमीटर और R बराबर 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 इंटू 10^-2 मीटर। एकांक लंबाई पर बल F/L, एकांक लंबाई F/L पर मान निकालेंगे अगर, तो ये हो गया 4π × 300 × 300 डिवाइडेड बाय 2π × 1.5 × 10^-2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 10^-7 × 10, और ये पावर को सॉल्व करेंगे तो ये -2 और +2, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 × 10^-1, तो ये हो गया 1.2 न्यूटन पर मीटर। अब क्योंकि तारों के जो उसमें धारा प्रभावित हो रही है विपरीत दिशा में है, इसलिए जो बल होगा उसकी प्रकृति यहाँ पर प्रतिकर्षण होगी, यानी यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। इस प्रश्न के अनुसार एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो 4.8 × 10^6 मीटर पर सेकंड है, और यह इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत भेजा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा? एक तो ये पता लगाना है, दूसरा वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
जब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³¹ केजी दिया हुआ है। वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति ज्ञात करनी है, यानी उसे ज्ञात कीजिए आवृत्ति को, और इलेक्ट्रॉन के वेग पर इसका संबंध यानी आवृत्ति का संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा, जैसे कि दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लग रहा होगा वृत्ताकार पथ में, वो F इजिकल टू क्यू वी बी के बराबर होगा या ई वी बी के बराबर होगा। यदि हमारे पास चुंबकीय बल वृत्ताकार पथ पर है तो यहाँ पर एक अभिकेंद्र बल होगा जिसे हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बटे आर, और जो बराबर होगा चुंबकीय बल के क्यू वी बी। तो यहाँ से आर निकल जाएगा, तो ये हो गया आर बराबर एम वी बटे क्यू बी। तो यहाँ पर क्यू बराबर, क्योंकि ई है तो इसको आर के मान के साथ रख देंगे, तो आर बराबर एम वी बटे ई बी हो गया। अब इसका वैल्यू रख देते हैं 9.1 इंटू 10⁻³¹ इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आपका इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ इंटू हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁴। ये 10⁻⁴ माइनस कहाँ से आया, क्योंकि एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 16 से 48 कट जाएगा और ये 13 से कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 7 × 3/5 इंटू 10⁻²। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया आपका 4.2 इंटू 10⁻²² मीटर, और ये हो गया, तो ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। तो अब इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल जो होगा वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, वो होगा t इजिकल टू 2πr/v। तो 2π और r का मान हमें पता है, तो ये हो गया mv/ev। तो यहाँ पर v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जो t है या आवर्तकाल है वो इतना हो गया। तो आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है, तो ये हो जाएगा f बराबर eb/2πm। इनके वैल्यू रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ इंटू 6.5 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू एम का मान 9.1 इंटू 10⁻³¹। तो ये कैंसिल कर लेंगे, इसको सॉल्व करते हुए 13 से काट लेंगे, फिर हमारे पास ये कट गया 2 से, तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया 0.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 7 इंटू 10⁻²⁻¹⁄ −4 + 31। इसे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति जो है वो पता चलता है, वेग पे निर्भर नहीं करती। तो इस तरह से हम अगला प्रश्न एक और ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10⁻³ मीटर स्क्वायर एक चुंबकीय क्षेत्र में 100 गॉस का समान चुंबकीय क्षेत्र एक तार से एक परिनलिका बनाता है। इसमें अधिकतम 15 एम्पियर की विद्युत धारा और क्रोड पर 1000 फेरे
प्रति मीटर लंबाई पर लपेटे जाते हैं। परिनलिका के लिए उचित फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तथा ये भी बताइए कि यदि परिनलिका के डिजाइन में यह मान लिया जाए कि क्रोड लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो क्या इसका हल होगा? तो देख लेते, दिया हमें क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है बी बराबर 100 गॉस, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 × 10⁻⁴ टेस्ला। और हमें दिया हुआ आई 15 एम्पियर। साथ ही हमें दिया है नंबरों की संख्या यानी फेराओं की संख्या 1000 फेरे पर मीटर। तो हम चूंकि जानते हैं बी बराबर म्यू नॉट एन आई के होता है, तो एन आई बराबर ये हो जाएगा हमारे पास बी बटे म्यू नॉट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी का मान 100 × 10⁻⁴ और म्यू नॉट 4π × 10⁻⁷। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 1/4π, ये हो गया 10⁵। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 यानी फेरों की संख्या। अब यदि आई हमारे पास थोड़ी देर के लिए 10 एम्पियर है, तो उस समय एन का मान हमारा क्या हो जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू 10, तो ये हो गया 800 फेरे। तो हम कह सकते हैं कि यदि परिनलिका की लंबाई जो है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, तो उस समय फेरों की जो संख्या होगी वो हमारे पास 400 हो जाएगी, जस्ट हाफ। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर n/L यानी पर यूनिट लेंथ पे ये 400 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, जो वहाँ पर लंबाई है 0.5, तो ये हो गया 800 फेरे पर मीटर, यानी पर मीटर 800 फेरे होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी परिनलिका है, परिनलिका का जो क्षेत्रफल है वो 10⁻³ मीटर स्क्वायर से अधिकतम हो सकता है, यानी उससे भी अधिक ये हो सकता है। तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकालेंगे। तो सरल है इसको आपको समझने के लिए कि कैसे जो है हम पर यूनिट लेंथ पे फेरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक टोरॉइड के अलौह चुंबकीय क्रॉड की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर तथा बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसके लिए ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं। यदि तार में विद्युत धारा 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र
का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही टोराइड के बाहर टोरॉइड के क्रोड पर और फिर अंत में क्रोड के द्वारा घिरे खाली स्थान यानी खाली क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। चूंकि R बराबर है 25 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 26 सेंटीमीटर, तो इनको हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये N बराबर आपका 3500 दिया हुआ है, I आपको 11 एम्पियर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर टोरॉइड का जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो पहले R का माध्यमान निकालेंगे, तो ये हो गया R बराबर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 25 प्लस 26 बटे 2, तो ये हो गया 25.5 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 25.5 इंटू 10^-2 मीटर प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या जो हो गई वो हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा n बराबर कैपिटल N अपॉन L, तो ये हो गया N अपॉन 2πr, तो ये हो गया 3500 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 25.5 इंटू 10^-2। ये हो गई फेरों की संख्या पर यूनिट लेंथ। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, चूंकि हम जानते हैं b बराबर म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट का मान रख दिया 4π इंटू 10^-7, और फेरों की संख्या होगी 3500 बटे 2π इंटू 15.5 इंटू 10^-2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 700, ये हो गया आपका 11, तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10^-2। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना, 3 इंटू 10^-2 टेस्ला। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं टोरॉइड के क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र या उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ये शून्य होगा। इसी तरह से टोरॉइड के क्रोड पर जो बी होगा वो 3 इंटू 10^-2 टेस्ला होगा, जैसा कि हमने अभी ज्ञात भी किया है। और आखिर में टोरॉइड के बाहर या टोरॉइड द्वारा घिरा खाली स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी जीरो होगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। आगे के न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिए।